Hello and welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तो, कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में माँ बनी। 12 दिन के बच्चे को छोड़कर घर पर वो काम पर आ गईं और शूट करने लगी, और ऐसे में भारती ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई। लोगों ने भारती के लिए काफी कुछ बोला, लेकिन अब भारती ने रिसेंटली आज तक को एक इंटरव्यू दिया और भारती ने अपने दिल का दर्द बताया, जिसको बताते हुए भारती की आंखें नम हो गई और वो रोने लगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि भारती की इन बातों को सुनकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। क्या कहा है भारती ने, चलिए आपको बताते हैं टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। दोस्तों, भारती ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहा, कई औरतें डिलीवरी के तुरंत बाद काम करती हैं, मैं भी कोई राजकुमारी नहीं हूं, मुझे अभी काम की जरूरत है। चार लोग बातें बोलेंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है सिर्फ वही सच्चाई जानता है। मैं खुद बेबी को कैमरे से देखती रहती हूँ, वो हिलता भी है तो मुझे नोटिफिकेशन आता है, लेकिन कई ऐसी माँ हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है। अब एहसास होता है कि हमारी माएँ भी कितनी बेचैन हो जाती होंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारती सिंह 12 दिन के बच्चे को छोड़कर काम पर लौटी थी, जिसके बाद लोगों ने उन पर सवाल उठाए, लेकिन भारती ने साफ साफ कह दिया है कि जरूरत है इसलिए काम तो करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि अगर भारती खतरा 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 को शूट नहीं करेंगी तो ऐसे में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और कलर्स के साथ फिर उनको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो इतना कहेंगे कि भारती सिंह एक ऐसी महिला हैं जो बाकी औरतों को भी हिम्मत देती हैं कि वो भी अपने काम पर ध्यान दें और अपने परिवार को भी संभालें, हार मानकर घर पर ना बैठें और ना ही ट्रोलर्स की बातों का बुरा मानकर घर पर बैठ जाएं। आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।